नमस्कार दोस्तों, अमित थिंग्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम आसानी से पाइथन 3.9.2 जो करंट वर्जन है पाइथन का, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज 10 64 बिट, जो कि हमारा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 का, उस पर। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे अपना पहला प्रोग्राम पाइथन पर रन कर सकते हैं पाइथन इंस्टॉल करने के बाद। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पाइथन डाउनलोड करेंगे। करंट वर्जन है पाइथन 3.9.2। ब्राउजर ओपन कीजिए, हमने क्रोम ओपन किया है, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल पे सर्च कीजिए पाइथन, एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करते ही दोस्तों देखिए python.org ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही दोस्तों देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आ गई python.org। अब हमें डाउनलोड करना है तो हम डाउनलोड बटन पे जाएंगे। कर्सर रखते देखिए करंट वर्जन आ गया विंडोज का 3.9.2। ध्यान से देखिए 3.9 के बाद जो भी नए वर्जन है पाइथन के, वो विंडोज 7 या उससे पहले एक्सपी वगैरह पे नहीं चलेंगे। हम विंडोज 10 पे कर रहे हैं तो ये वाला हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते हैं पाइथन 3.9.2, क्लिक कीजिए डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड स्टार्ट हो गया दोस्तों, देखिए लेफ्ट में कंप्लीट हो गया। अब इसको ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके आप शो इन फोल्डर में जाके लोकेशन देख सकते हैं कहाँ पे डाउनलोड किया है। हमको इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ से सीधा इसको डबल क्लिक करूँगा इंस्टॉल करने के लिए। मैंने डबल क्लिक किया, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। अब दोस्तों देखिए लिखा आ गया इंस्टॉल करना है पाइथन 3.9.2, 64 बिट है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप सीधा इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, बट मेरी मानिए तो आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करें। आपको पाथ भी सेट करना है तो यहाँ पे लिखा आएगा, तो यहाँ पे जो पाइथन 3.9 को पाथ में डालना है वो कर दीजिए ऐसे सिलेक्ट, और ये पाइथन का पाथ ऐड कर देगा। अब कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों ऑप्शनल फीचर्स आ गए, ये सबको इंस्टॉल कर देगा, टेस्ट सूट, पाई लॉन्चर भी और पिप भी। ये आपको अलाउ करेगा कि आप बाकी पाइथन पैकेजेस को डाउनलोड इंस्टॉल कर सके पाइथन इंस्टॉल करने के बाद, तो पिप भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों एडवांस ऑप्शंस आ गए, देखिए यहाँ पे सारे यूजर्स के लिए इंस्टॉल करना है, बाकी सब तो सही है। पाइथन एनवायरनमेंट वेरिएबल भी ऐड कर देगा, सब कुछ सही है। अब देखिए ये पाथ आ गया, आपको पाथ चेंज करना है इंस्टॉलेशन का, तो ब्राउज पे क्लिक कीजिए, पाथ चेंज कर लीजिए। मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगा, मुझे वही पाथ रखना है। देखिए प्रोग्राम फाइल्स में सी ड्राइव में जाके पाइथन 3.9 फोल्डर क्रिएट करके वहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। बस अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करना है, क्लिक कीजिए। अब देखिए दोस्तों सेटअप स्टार्ट हो गया, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। देखिए दोस्तों सेटअप कंप्लीट हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब क्लोज पे क्लिक करते हैं, अब वेरीफाई कर लेते हैं कि सही से इंस्टॉल किया है कि नहीं। उसके लिए स्टार्ट पे जाइए, CMD लिखिए, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, क्लिक कीजिए ओपन करने के लिए। देखिए दोस्तों ओपन हो गया, अब कमांड डालिए वेरीफाई करने के लिए python -version, एंटर प्रेस कीजिए। देखिए दोस्तों करंट वर्जन आ गया 3.9.2 जो हमने अभी अभी इंस्टॉल किया है, मतलब आपने सही से इंस्टॉल कर लिया पाइथन को। इसको क्लोज कीजिए, अब पहला प्रोग्राम रन करते हैं पाइथन में। स्टार्ट पे जाइए, पाइथन लिखिए, देखिए लिखते ही हमारा आईडीएली आ गया, ये आईडी है पाइथन का, इस पे रन करते हैं। क्लिक कीजिए ओपन करने के लिए। दोस्तों ये शेल आ गया, आईडी आ गया आईडीएली, तो इस पे हम कुछ रन करते हैं पाइथन का। देखिए दोस्तों हमने ये प्रिंट यूज किया, जब आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया, ब्रैकेट लगाया, तो देखिए एक पूरा सिंटेक्स आ गया प्रिंट मेथड का पाइथन में। अभी हमने कर लिया सेमीकोलन, एंटर प्रेस करेंगे आउटपुट आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आप अपना पहला पाइथन प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में देखा कैसे हम आसानी से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं 3.9.2 जो करंट वर्जन है। उसके बाद हमने वेरीफाई किया इंस्टॉलेशन की, सही से इंस्टॉल किया है कि नहीं। फिर हमने ये भी देखा कि हम अपना पहला प्रोग्राम पाइथन में कैसे रन कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल अमित थिंग्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।